दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी जो है मधुबनी के लहरियागंज के बगल में रामगंज है और यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ महिला है और यहाँ पर अभी अभी जाम लगा हुआ था। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नाला है और इसका जो स्लैप है वो बहुत कमज़ोर है और नाला की गहराई इतनी ज़्यादा है कि अगर बच्चे जाएंगे तो इन लोगों का कहना है बच्चे भी गिर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चाची है, इनसे बात करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि कितना दिक्कत होता है। क्या नाम हुआ चाची आपका? सीता देवी। अच्छा, क्या आप लोग को दिक्कत है? हमको रोड का दिक्कत है, हमारा स्लैप बनाया हुआ है, अपना पैसा से बनाए हैं। अपना पैसा से? हाँ, अपना पैसा से बनवाए हैं। प्रतिनिधि नहीं बनाया है? नहीं। अच्छा। अपना पैसा से बनाए हैं। बच्चा लोग की गिर रहे हैं, यहाँ तो टूट गया है तो हम उनको अभी देखे कि आप गुस्साए हुई थी गाड़ी वाला। हाँ, सबर का है। हाँ, हम गुस्साए इसलिए हमारा नाला पर चढ़ रहा था, हमारा स्लैप टूट गया है तो उसमें दो तार का छल डल्ली दिए हुए हैं। अच्छा। उस पर भी चला रहा है, अगर टूट जाएगा बच्चा लोग गिरेगा तो हमको सरकार देगा उनके बच्चा? ये सरकार नहीं बनाई है, प्रतिनिधि नहीं, नहीं नहीं। तो कौन, आप ही बनाए हैं? अपना, हम जितना घर में है ना अपना पैसा से, निजी समाज को पूछिए, हम निजी बनाए हैं। निजी बनाए? हाँ, खुद अपने निजी बनाए हैं, पैसा खर्चा कर। तो देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जबकि ये प्रतिनिधि का काम है कि नाला हो या रोड हो उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिस तरीका से चाची जो है अपना पैसा लगा करके स्लैब बनाई है तो इनका गुस्सा जायज है कि गाड़ी वाला आता है तोड़ देता है लेकिन प्रतिनिधि देखता ही नहीं है। क्या नाम हुआ चाची? तुलसी कुमारी। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर कोई बच्चा गिरा भी? हाँ, गिरा है। गिरा भी है? हाँ, गिरा है, दो गो बच्चा गिरा है, घर से निकलता है। अच्छा। वो स्लैब टूटने के कारण गिर गया था। अच्छा। तो एक जगह हम चदरा दे करके जाम किए हैं, एक तरह छज्जा दे करके जाम किए हैं, और जब भी गाड़ी आता है इस पर चढ़ जाता है, इस पर चढ़ जाता है, मना करते हैं तो लड़ने के लिए उठता है गाड़ी वाला कि सरकारी है, सरकारी है तो सरकार इसका व्यवस्था करे, बढ़िया से ढलाई करे। तो सरकार व्यवस्था नहीं की? नहीं, पूरा खुला हुआ था, हम अपना पैसा लगा करके इस पर पूरा स्लैब चढ़ाए हैं। आप लोग अपना पैसा? हाँ, अपना चढ़ा के, और यहाँ पर छोटा छोटा ईटा डाले हुए हैं तो वो लोग गाड़ी वाला क्या करता है हटा करके इस पर गाड़ी चढ़ा देता है। हमको यहाँ एक साल हुए आए हुए, टूटा हुआ था, हम अपना पैसा से बनवाए हैं, अब बनाने के बाद इस पर गाड़ी चढ़ता है तो हम रोकते हैं तो सब गाड़ी वाला उड़ता है लड़ने के लिए। नाला की समस्या कब से झेल रहे हैं? नाला का समस्या तो सब साल दो साल से झेल रहे हैं, ऐसे है बना। लगभग कितने साल से? सर साल साल भर से, बहुत दिन। हाँ, हाँ, अच्छा, यहाँ पर जाम लग जाता है क्या? हाँ, जाम, रोड चौड़ा नहीं है, रोड चौड़ा नहीं है। हाँ, बोले तो बीचों बीच नाला बनाएंगे उसके बाद रोड चौड़ा होगा, तो कुछ नहीं हो रहा है सर। इस रोड का ऐसा हालात है कि यहाँ एक गाड़ी चरचकिया और मोटरसाइकिल पास नहीं कर सकता, इसलिए ये इतना कंजेस्टेड जगह है, लेकिन इतना चालू है कि कभी रुकता नहीं है ये रोड, 12 बजे 1 बजे पूरे रात चलते रहता है। तो हमारा अनुरोध यही है कि रोड थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया जाए और नाला व्यवस्था सुधार दिया जाए, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, पानी का व्यवस्था दिए, क्योंकि यहाँ पर जितना भी है सब पिछड़ा जाती है। तो हमको यही सरकार से है अनुरोध कि ये रोड को थोड़ा सा और चौड़ा कर दे ताकि दो गो चरचकिया निकल सके। तो दो गो चरचकिया अगर निकलेगा, तो सपोज में एगो मोटरसाइकिल एगो कार निकल सकता है और प्लस में आदमी भी फ्री से जा आ सकता है, जिसके कारण क्या होगा, बच्चा का जो है जो जान का रक्षा होगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा रहेगा। और हमारा यही अनुरोध है कि रोड पहले जल्द से जल्द ठीक कर दे और नाला व्यवस्था ठीक कर दे, पानी का व्यवस्था दे टाइमली, क्योंकि यहाँ पर चापाकल के पानी से किसी के घर में पानी नहीं आता, नहीं आता। पानी का प्रॉब्लम है, पानी का व्यवस्था कर दे, और यहाँ पर जो सिंटेक्स बिठा हुआ है सरकारी उसमें एक आदमी को दे परमानेंटली, जो वो सब दिन चलाए उसको टाइमली चलाए, व्यवस्था कर दे। आप लोगों को नल लगा हुआ है? हाँ, नल तो घरे घर दिया, लेकिन पानी नहीं आता। पानी के लिए अभाव है, पानी नहीं आता, जब मन होता है जाके कोई देता है, जब मन होता है पानी का, उसको जब मन होता है तब पानी देता है, दिन भर कभी कभी चलते रहता है, कभी कभी दिन भर पानी नहीं आता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, गरीब वस्तु बस्ती तो गरीबी है, इसलिए प्रॉब्लम होता है कि चापाकल से पानी नहीं आता है।